स्वास्थ्य का अधिकार कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन के तहत आज 90 दिन भी सभी प्राइवेट अस्पताल पूर्णतः बंद रखे गए। सुबह आईएमए हॉल में मीटिंग के बाद 11 बजे से शहीद स्मारक से दो दो की लाइन में एक विशाल रैली, जिसमें सभी डॉक्टर स्टाफ ने भाग लिया, विशेषकर महिला चिकित्सकों द्वारा जोर शोर से नारेबाजी की गई। इस अभूतपूर्व रैली में लगभग 2000 से 3000 डॉक्टर्स और सहायक स्टाफ ने भाग लिया। जोश से लबरेज डॉक्टर्स ने नो टू आरटीएच, गहलोत सरकार, होश में आओ आदि नारे लगाए। रैली का नेतृत्व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेश मित्तल, डॉक्टर तैयब खान, डॉक्टर विजयपाल यादव आदि ने किया। पूरी रैली मार्ग में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी ने स्वयं अनुशासन की पालना की। रैली मनिका बड़, चर्च रोड, होप सर्कस, बजाजा बाजार, त्रिपोलिया होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली का एक छोर होप सर्कस पर और दूसरा छोर त्रिपोलिया पर था। रैली के मार्ग में संयुक्त व्यापार समिति ने फूल बरसाकर हौसला बढ़ाया। रास्ते में संयुक्त व्यापार महासंघ, केमिस्ट एसोसिएशन, स्ट्राफा बाजार समिति, होप सर्कस व्यापार मंडल ने भी समर्थन किया। होप सर्कस पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने रैली को संबोधित किया। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और डॉक्टर एससी मित्तल ने आंदोलन के बारे में सरकार की हठधर्मिता, स्वास्थ्य का अधिकार कानून से आम जनता को होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला। त्रिपोलिया मंदिर पर भगवान शिव को डॉक्टरों ने अपना मांग पत्र दिया। त्रिपोलिया महादेव मंदिर पर ऊपर से फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया गया। उसके बाद जगन्नाथ जी भगवान से भी अपनी मांग पूरी होने की मन्नत मांगी एवं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन भी किया गया। उसके बाद कलेक्टर को अपने अस्पतालों की चाबी सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट गए। वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट नवीन यादव, एडिशनल एसपी सरिता सिंह ने कलेक्टर से मिलने से रोक दिया। सीनियर डॉक्टर्स के बार बार अनुरोध करने के बाद भी कलेक्टर अस्पतालों की चाबी लेने नहीं आए। इस दौरान पुलिस वालों से भी झड़प हुई, जिसमें पुलिस वालों ने महिला चिकित्सकों के गर्दन को डंडे से दबाने की कोशिश की। पुलिस के दुर्व्यवहार से रैली में शामिल सभी लोग आहत हुए, लेकिन कोई अव्यवस्था पैदा नहीं की। लगभग 2.5 घंटे 2000 डॉक्टर्स एवं स्टाफ धूप में बैठे और खड़े रहे। काफी डॉक्टर 70 साल की उम्र से ज्यादा के भी थे। उनके लिए कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी, ना बैठने की और ना ही पानी की, लेकिन कलेक्ट्रेट अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे और डॉक्टरों से मिलने नहीं आए। उसके बाद और पुलिस बल तैनात कर दिया गया तथा बंदूकधारी कमांडो तैयार कर दिए। रैली में शामिल एक व्यक्ति को इस दौरान चोट भी लगी, नारेबाजी हुई, लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर अस्पतालों की चाबी लेने के लिए नहीं आए, तो सभी ने निर्णय लिया कि वापस चले। सभी ने कलेक्ट्रेट के प्रति भारी आक्रोश था। जब 2 से 3 हजार डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ से कलेक्ट्रेट भरा हुआ था, तब भी कलेक्टर नहीं आए। पुनः सभी डॉक्टर्स आईएमए हॉल में एकत्रित हुए और आंदोलन को और फैलाने की कार्य योजना बनाई। आज की रैली कई मायनों में अभूतपूर्व रही। संख्या, महिला चिकित्सकों समेत सभी का जोश और सरकार के प्रति आक्रोश चरम पर था। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एससी मित्तल, जो वर्तमान में आईएमए अलवर के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर आज अलवर से लगभग 20 डॉक्टर जयपुर में चल रहे आंदोलन में शामिल होने गए और केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा लिए निर्णयों पर डॉक्टर एससी मित्तल से चर्चा कर आगे की रणनीति पर विचार किया गया।